अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई टी फॉर सॉल्यूशन। अपनी इस वीडियो से हम लोग कलर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कलर क्या होता है। कलर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू बेसिकली कलर को ही कहते हैं, आप समझ लें कि ह्यू कलर ही होता है। और सैचुरेशन होती है उसकी इंटेंसिटी, कि वो कितना इंटेंस है। अगर उसकी इंटेंसिटी 0% पे होगी तो आपके पास वो जो कलर होगा वो ग्रे सा नज़र आएगा। अगर उसकी इंटेंसिटी आप 100% या ज़्यादा करोगे तो आपके पास वो कलर उतना इंटेंस या उतना कंप्लीट आपको नज़र आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल डेमो यहाँ पे करके बताता हूँ। फोटोशॉप में एक ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है, कमांड होती है। तो इसमें भी यहाँ पे हमारे पास देखें ह्यू की ऑप्शन है। जैसे जैसे मैं ह्यू को चेंज करूँगा आप देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में जो कलर्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे कलर चूज़ किया ही वाले स्लाइडर को जो है यूज़ करके, अब सेचुरेशन में मैं ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये कलर कितना सेचुरेट हो। देखें मैं जैसे इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ में लेके जा रहा हूँ तो आप देखें कि उतना वो कंप्लीट हो रहा है। अगर इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो पर ले जाऊँगा तो ये कलर बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। तो यही होती है, मतलब हम कलर चेंज करते हैं और सेचुरेशन में उस कलर की इंटेंसिटी होती है। दूसरा उसकी आप लाइटनेस या ब्राइटनेस भी इसको बोलते हैं, वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, तो सबसे जो कॉमन आप अपनी डिजिटल फोटोग्राफ्स में जो आप प्रॉब्लम देखेंगे वो होती है कलर कास्ट। अब कलर कास्ट का मतलब ये होता है कि आपकी इमेजेस में ऐसे कलर जो है वो आ रहे होते हैं जो ओरिजिनल सीन में नहीं होते। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी इमेज ऑरेंज लग रही है। और अब कलर कास्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखो अपनी इमेज में जो ग्रे हो या वाइट हो। जैसे इस इमेज में यहाँ पे मेरे पास ये जो पिलो की इमेज है, ये ओरिजिनल सीन में जो है वो वाइट होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी कलर कास्टिंग हो रही है, इस पर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, थोड़ी शेड आ रही है। अब आप कलर कास्ट किस तरह इसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह इसको देखेंगे, तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है कि आप फोटोशॉप में जिस भी पिक्सल पर क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर आपको उसका कलर पिक करके देगा। अगर मैं क्लिक और एंड होल्ड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास, पहले अपने कलर रीसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं। ये जो नीचे वाला कलर है ब्लैक, ये मेरा ओके। अब ये जो नीचे वाला कलर है ना, ये मेरा पहला वाला मतलब फोरग्राउंड कलर था। और अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो इस पिक्सल का कलर था, ये जो थोड़ा सा मतलब ऑरेंज टाइप का कलर है, आप देखें जैसे मैं इसको थोड़ा मूव कर रहा हूँ तो कलर भी चेंज हो रहा है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ये जो टूल होता है आई ड्रॉपर टूल, ये क्या करता है कि एक पिक्सल की जो है वो सैंपल लेता है। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी ऑप्शन चेंज कर सकते हो। लाइक इसको मैं करता हूँ 5x5 एवरेज, यानी तकरीबन 25 पिक्सल्स की जो है वो एवरेज कलर हमें बताएगा। मैं कलर को दोबारा रीसेट करता हूँ और अब मैं इसको क्लिक एंड होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिलो वाइट होने की जगह ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप लग रहा है। तो अगर आपको इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन की वैल्यूज़ देखनी है तो उसको उसके लिए आपको यहाँ पे कलर की जो पैनल है वो ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ से इसका जो व्यू है वो मैं चेंज करूँगा HSB पे, यानी ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो इसकी ह्यू की वैल्यू आई है वो 33 है। अब 33 पे जो ह्यू में कलर होता है वो होता है ऑरेंज। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑरेंज का ही शेड है। अब मुझे कैसे पता चला कि 33 पे ऑरेंज है, तो उसकी एक कलर की रिंग है। मैंने यहाँ पे उसकी एक पिक्चर रखी हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो इसमें ये होता है कि ये टोटल 360 डिग्री पे होते हैं सारे कलर, 0 डिग्री पे होता है रेड। जैसे जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पे आपके पास दूसरे कलर शो होते जाएंगे।
डिग्रीज में ऑन कर लूँ उनके। ओके तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारे पास रेड है, इसी तरह से ऑरेंज जो है हमारे पास, ऑरेंज की ये वाली रेंज है 30 से लेकर 59 तक, उसके बाद 60 डिग्री पे हमारे पास येलो कलर होता है। तो अब ये आप गूगल पे भी अगर लिखोगे HSB कलर रिंग तो आपके पास ये इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ग्रीन 120 डिग्री पे, सियान 180 डिग्री पे, और इस तरह से ब्लू आपके पास 240, और मेजेंडा 3, और इसी तरह से जो ये वाला कलर है आपके पास 330 डिग्री पे। ओके तो इस वीडियो में मैंने आपको बस यही बताना था कि आप किस तरह फोटोशॉप में जो आपके पास कलर कास्टिंग हो रही है उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी इमेज में एक कलर जो है वो मतलब आपकी इमेज की लुक को टोटली ख़राब कर रहा है। लाइक यहाँ पे ये जो ऑरेंज टाइप कलर था तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्शन करने के लिए जैसे मैंने आपको ल्यूमिनस में बताया था, कुछ ऑटो कमांड्स होती हैं और कुछ हम कस्टमाइज़ करके भी जो है वो ल्यूमिनस लेवल जो है वो एडजस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि आप कुछ ऑटो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं कलर करेक्शन करने के लिए अपनी इमेज में, और उसके अलावा कुछ आप जो है वो मैनुअल, अगर आपको ऑटो वाले रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे तो आप मैनुअल कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये जो कलर कास्ट हो रही है जो 33 पे इसकी ऑरेंज टाइप कलर आ रहा है, मैं इसको कम करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।